उस कराची के मुफ्ती ने वीडियो में आके कहा कि इंजीनियर के स्टूडेंट्स ने इंजीनियर के नाम का कलमा पढ़ा हुआ है। क्या पहले बार बार इसके मुंह से कहलवाऊंगा अलमोहन्नत, उसके बाद में अलमोहन्नत पे तेरी तुझे जो जलील करने वाला हूं ना, तू कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन तेरे सामने जो कौम बैठती है ना, वो तुझसे भी ज्यादा जलील है। वो कहती है भाई जितना मर्जी जलील कर लो, हमने इंजीनियर के नाम का कलमा पढ़ लिया। लख दी लानत, हमने इंजीनियर के नाम का कलमा पढ़ लिया। और पहला बच्चा, हमने इंजीनियर के नाम का कलमा पढ़ लिया। जान जाग उड़ जाती है। अरे भाई 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 क्या, अब क्या इसके मुफ्ती इस पे कलमे, मैंने कभी कलमा पढ़वाया या मेरे स्टूडेंट मेरे नाम का कलमा पढ़ते हैं, इस पे कुफर नहीं लौटेगा? तो मैंने तो कोई क्लिप नहीं रिकॉर्ड करवाया, मैं सिर्फ इसे तौबा की बात करूंगा कि तौबा कर यार, थानवी के पीछे चिश्ती के पीछे अपनी आखिरत ना बर्बाद कर। आज एक क्लिप मुझे किसी ने भेजा, उसमें ये कह रहा था कि इंजीनियर साहब की वीडियोस के नीचे जाके ना आप लोग गालियां भी लिखे जाके। जो भी शिद्दत से काम ले रहा हूं ना, उसको नीचे तमीज से कमेंट्स में गालियां दिया करो, तमीज से कमेंट्स में गालियां दिया करो। सोचना पड़ता है रे, कौन सी गाली देने का सोचना पड़ता है मेरे को कि नया गाली कौन सा दे। गाल नहीं कटनी दादा करो, ये कौन सा तरीका, ये कौन सी तबलीग कर रहे हो? और यहाँ पे मैं उन लोगों के दिमाग से भी कीड़ा निकाल दू, जिस तरह वो कराची के एक मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि जी इंजीनियर साहब मुझे काफिर क्यों नहीं कहते हैं, मैं तो अशरफ थानवी साहब को बुजुर्ग मानता हूँ। बोलो ना, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो कि चिश्ती रसूलुल्लाह भी काफिर थे जिन्होंने रसूलुल्लाह बुलवाया, यानी और अशरफ थानवी भी क्या थे, अपने नाम का कलमा पढ़ा के इंसान मुसलमान रहता है? नहीं, बोलो काफिर थे। मैं तो अशरफ अली थानवी को सिर्फ मुसलमान नहीं, बहुत बड़ा बुजुर्ग मानता हूँ। तो ठीक है, वो आपके ही है, वो आपको ही मुबारक हो। जिस तरह हमें वो सिख कहते हैं ना कि जी ये बाबा गुरु नानक भी हमारे हैं, हम कहते हैं हाँ जी वो तो आपके हैं, वो कहते हैं नहीं बुल्ले शाह भी हमारे हैं, हम कहते हैं जी ले जाए आप ही, हाँ मेहरबानी करो साड़ी जान छोड़ो। कहते हैं जी नाच के मुर्शद बनाया, नाच के मुर्शद बनाया उन्होंने, तो इस तरह ये आप लोग ले जाए यार, हमें कोई जरूरत नहीं इन बुजुर्गों की। तो इंजीनियर अली मिर्जा को चाहिए मुझ पे कुफर का फतवा लगाइए, बकवास मत करे, ड्रामेबाजी छोड़ दे कि नहीं जी मैं किसी को काफिर नहीं मानता। क्यों नहीं मानते, आपके दावों में तजाद है? फिर आप बोलो यार कलमा पढ़ाए तो काफिर है। हाँ ना, इसने तावील पेश की है ना कि मौलवी थानवी ने उसकी तावील की है, तो आप अगर उस तावील को नहीं मानते तो फिर आप बोलो वो भी काफिर, अशरफ अली थानवी भी काफिर, फिर और जो उनको बुजुर्ग माने वो भी क्या है काफिर? अच्छा अच्छा, इसका जवाब देते हैं तुझे भाई, आप इन अल्फाज के साथ अशरफ थानवी साहब का दिफा करें, हम आपको पेशकी काफिर कह देंगे कि आप ये कहें कि अशरफ थानवी साहब ने जो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया असुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया किताब के अंदर, उस शख्स का दिफा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाया, ये पूरे अल्फाज बोले, तो भाई मुझे तो काफिर कहने की जरूरत नहीं। आला हजरत पहले ही काफिर कह चुके हैं फतावा रजविया में कि अगर कोई शख्स कहे कि आना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो उसकी तावील भी कबूल नहीं की जाएगी, उसे काफिर डिक्लेयर किया जाएगा। तो मुफ्ती साहब मुझसे फतवा लेने की जरूरत नहीं है, आपके जो ताया अबू हैं यानी आला हजरत बरेलवी साहब, क्योंकि अबू तो आपके श्री थानवी साहब है ना, तो वो उनसे बड़े थे, जो आपके ताया अबू हैं वो काफिर कह चुके हैं, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ये उनकी बात कोट की है अपने फतवे के अंदर। बिल्कुल आज की डेट में भी अगर कोई अशरफ अली रसूलुल्लाह कलमे को जायज समझता है या चिश्ती रसूलुल्लाह कलमे को जायज समझता है, इसको पढ़वाने को जायज समझता है, तो वो डंके की चोट पे काफिर है। बिल्कुल, चाहे कोई आज का मुसलमान हो चाहे 1400 साल पहले का मुसलमान हो, रसूलुल्लाह के सिवा अगर कोई शख्स किसी और का कलमा पढ़ता है, नबी अलैहिस्सलाम की खदमे नबूवत के ऊपर डाका मारता है, चाहे वो गुलाम कादियानी दज्जाल हो या कोई चिश्ती दज्जाल या थानवी दज्जाल, हम उसे काफिर ही समझते हैं। तो फतवे के लिए वो पूरी शरायत होना जरूरी है, तो मैंने वो शरायत पहले सामने रख दी कि आज वो कराची के मुफ्ती साहब कहें कि चिश्ती रसूलुल्लाह कहलवाना सही है, थानवी रसूलुल्लाह कहलवाना सही है, तो मैं उस क्लिप का भी इंतजार नहीं करता, मैं आपको पेश की काफिर कह देता हूं। लो सांभो, इनको बड़ा शौक है ना कि जी इंजीनियर साहब काफिर क्यों नहीं कहते। बिल्कुल आप कहें, हम आपको काफिर कहेंगे, लेकिन जब आप इधर उधर भागेंगे, तावीलात करेंगे अपनी बातिल के, नहीं वो बुजुर्गों ने तो यूं कहा ही नहीं था, ये तो किताबें बदल गई हैं, उनके कहने का मकसद कुछ और था, जब इस तरह ऊटपटांग चीजें आप करते हैं ना तो फतवे से बचते हैं। जड़े बढ़ो और सीधी सीधी आगे बात करो, तो हमसे सीधा सीधा कुफर का फतवा ले लो, बिल्कुल हमें कोई आर नहीं है। और जिस तरीके से गांधी साहब इस मामले में कादियानियों के कुफर को मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं तकफीर नहीं करता लेकिन कुफर को कुफर मानता हूं, इस तरीके से वो सुफिया के कुफर को भी कुफर मानते हैं लेकिन तकफीर नहीं करते, तो उसूल तो गांधी साहब ने एक रखा हुआ है, इनसे तो बेहतर है गांधी साहब, जबकि मेरा उसूल वही है जो उम्मत ने इजमा के जरिए एक्सेप्ट किया हुआ है कि जो काफिर है हम उसे काफिर कहेंगे। बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और वो काफिर अगर गुलाम कादियानी दज्जाल का को मानने वाला उसे पैगंबर डिक्लेयर कर रहा है उसे भी हम काफिर कहेंगे, या कोई चिश्ती रसूलुल्लाह कलमे को या अशरफ थानवी रसूलुल्लाह को या शिबली रसूलुल्लाह को या मुआविया रसूलुल्लाह को दुरुस्त समझता है इन कलमात को,
तो हम उनको भी काफिर समझते हैं बिल्कुल, और अगर हमने काफिर ना किया तो हम खुद काफिर हो जाएंगे भाई, ये हमारे ईमान का मसला है, बिल्कुल क्लियर कट है। तो मुफ्ती साहब को बड़ा शौक है कि वो इंजीनियर साहब मुझे काफिर कहें और काफिर कहें। मुफ्ती साहब आप हिम्मत करें ना, आप कहें कि अशरी थानवी साहब ने जो चिश्ती रसुल्ला का दिफा किया है, तो अगर कोई शख्स अपने नाम का कलमा पढ़वाए उसका दिफा करना बिल्कुल दुरुस्त है, दिफा ही करना चाहिए। तो जनाब आपको ये कहने की जरूरत नहीं, मैं पेशगी आपको काफिर कह देता हूं, आप जरूरत पैदा करें ना, एक टिकट में दो मजे तो नहीं आपको करने देंगे। तो अपने बड़ों को लॉन्च करो भाई, ये आपसे बात बढ़ चुकी है। एक ने अपना बड़ा लॉन्च किया ना डॉक्टर तैल कादरी साहब को, तो देख ले उनके साथ क्या हुई है, कितने बड़े बड़े ब्लंडर्स उनके मैंने हाईलाइट किए हैं। तो तैल कादरी के मुकाबले पे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, साजद मीर साहब और तकी उस्मानी साहब तो शाही कोई नहीं है, जितनी लंबी जुबान उसकी है, जितना उसके पास नॉलेज है डाइवर्सिफाइड। लेकिन वो देख लें जब बोला तो ब्लंडर कर गया, पकड़ा गया, और मैं तो बड़े अरसे से इंतजार में था। तो इनको भी लॉन्च करो, इनके साथ भी वही कुछ होगी। मैंने आप लोगों को पहले बताया जिस तरह जयसूर्या ने 96 के वर्ल्ड कप में ना एम्ब्रोस को छोड़ा था ना वसीम अकरम को छोड़ा था, कोई बॉलर नहीं बचा उसे, सब बाउंड्री से बाहर जा रहे थे छक्के। तो इधर अल्लाह के नबी का मुजाहिद, अल्लाह के फजल से खत्म रबूत का मुजाहिद बैठा हुआ है, कोई नहीं बचेगा। जिस जिसको शौक है ना, कोई बड़ा है उसे लॉन्च करे, उसे वीडियो क्लिप बनवाए और उस तरीके से बेइज्जती करवा ले जिस तरह डॉक्टर तैल कादरी साहब ने अपनी करवाई है। ये धोखे देने बंद करें उम्मत को, बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मनज के ऊपर आ जाए, इस तरह की तमाशबीनियां छोड़ दें।